a barrel of rifle. Rifle dekhi. Barrel uske. Rifle. Barrel of rifle. Barrel matlab. अच्छा ये भी बताना पड़ेगा. अबे barrel का मतलब वो टंकी जैसा होता है. जिसको हम लोग हमारे जनरल लैंग्वेज में ड्रम कहते हैं. ठीक है? That is a ship. जो ड्रम का शेप होता है ना, उस शेप के ऑब्जेक्ट को बैरल कहते हैं. ठीक है? The barrel of rifle, rifle का बैरल is aimed horizontally at the center of target 50 meter away. But the bullet strikes 2 centimeter below the center. What is the muzzle velocity? What is the meaning of muzzle? The meaning of muzzle, जो राइफल होती है, राइफल के सामने वाले हिस्से को, जो राइफल का हेड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग मुख बोलते हैं, that is called as muzzle. जो सामने वाला हिस्सा होता है ना, जो गोल वाला सा, simple. This is the muzzle of this pin. See, this is the muzzle of the pin. सामने वाला हिस्सा, ठीक है? ये हो गया आपका मजल. और यहाँ राइफल की बात हो रही है, तो राइफल के सामने वाले हिस्से को मजल कहते हैं. ठीक है? What is the muzzle velocity of the bullet? Bullet की muzzle velocity मेरे को निकालनी है. तो समझिएगा बहुत अच्छे से. ठीक है? अब मान के चलते हैं कि ये ऐसा एक कंसेप्ट है हमारा, एक सर्कल है, और जहां से, और ये एक सेंटर है हमारा. बहुत अच्छे से समझिएगा इसको. अब मैं क्या करूं, इसके एग्जैक्टली ये मेरा सेंटर है, इसके एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है. यहां से मेरे को बुलेट स्ट्राइक करनी है, और वो बुलेट स्ट्राइक करने के बाद में ये मेरे को निशाना इसके सेंटर में लगाना है. लेकिन वो बोल रहा है कि बट द बुलेट स्ट्राइक 2 सेंटीमीटर बिलो द सेंटर. बट द बुलेट स्ट्राइक 2 सेंटीमीटर बिलो द सेंटर, मतलब ये जो तेरा सेंटर है, ये सेंटर से नीचे कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पे स्ट्राइक हुआ है. क्लियर? 2 सेंटीमीटर. हाँ, सो दिस इज 2 सेंटीमीटर. तो ये जो मेरा टारगेट है, ये टारगेट से जहां से मैं बुलेट स्ट्राइक करूंगा, मतलब इधर से मैं बुलेट स्ट्राइक कर रहा हूँ, तो यहां से अगर मैं बुलेट स्ट्राइक करूं, तो वो डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर. कितना मीटर है ये? इतना भी है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये मेरा, ये अलोंग द एक्स है कि अलोंग द वाई? अलोंग द एक्स. क्लियर? और यही कंसेप्ट को मैं अभी ये जो ऐसे आपको बता रहा हूँ, मैं इसको सिंपल तौर के ऐसे कर दू यहां से. ठीक है? तो मेरा स्ट्राइक अगर मेरा, मान के चलो कि ये वॉल पे है, ठीक है, टारगेट मेरा वॉल पे है, वॉल पे एक सर्कल बना लो ऐसे, उसके लिए सेंटर लगा लो, एक्जेक्टली सेंटर से मैं यहां इधर से बुलेट स्ट्राइक करूंगा, एंड दैट शुड बी अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर. जहां से मैं बुलेट को स्ट्राइक करूंगा और जहां से टारगेट होगा, उनके बीच का डिस्टेंस कितना? 50 मीटर. कितना होना चाहिए? तो मेरे पास में एक्स का डिस्टेंस कितना दिया है? एक्स कितना डिस्टेंस दिया है? कितना? क्लियर? हाँ, तो एक्स का डिस्टेंस दे रहा है मेरे पास में 50 मीटर. दैट मींस अगर मैं यहां से अगर बुलेट को स्ट्राइक करूं, तो जहां स्ट्राइक होगी वहां से लेकर के जहां से मैं पकड़ के रखा हूं, वहां से कितना डिस्टेंस है मेरा? 50 मीटर. ये डिस्टेंस हुआ मेरा हॉरिजॉन्टल. अरे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ ना. अब मेरी बुलेट सीधी जाने के बाद में टारगेट के सेंटर को हिट करना चाहिए, बट वो कहां हिट कर रही है? 2 सेंटीमीटर नीचे. ठीक है? अब इसको अगर मैं इस तरीके से हम लोग देखें कि मान के चलो कि यहां, ये मेरे ड्राइंग पे मत जाना, ये ऐसे कुछ करी, हाँ बुलेट है, ठीक है, हाँ जो भी है बस करिए, ये और ये मेरा टारगेट. ठीक है? हाँ, तो यहां से ये सीधी हिट करने चाहिए. ठीक है ना? यहां से लेकर के यहां तक कितना डिस्टेंस है? 50 मीटर. ठीक है ना? ये बट ये ऑब्जेक्ट यहां स्ट्राइक ना करती, इसको बढ़ा ले लेते हैं थोड़ा सा, ये ऐसे कर लो. ठीक है? तो ये नीचे आकर के यहां स्ट्राइक हुआ है, तो इसका पाथ देखो क्या फॉलो होगा. सो दिस इज अ पाथ फॉलोड बाय दिस बुलेट लाइक दिस. समझा? सामने जाने के बाद में थोड़ा बेंड हो जाएगी, एंड इज बेंडिंग ड्यू टू द ग्रेविटी. किसकी वजह से बेंड होगा ये? तो
यहां से ये सीधा हिट ना करते हुए यहां से सीधा ऐसे आएगा और यहां से यहां डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। अच्छा 2 सेंटीमीटर नीचे के ऊपर, नीचे। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है कि हॉरिजॉन्टल? ये डिस्टेंस कौन सा, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। और वर्टिकल एक्सिस कौन सी लेंगे? वाई। वर्टिकल एक्सिस कौन सी लेंगे? ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? देख और कितना नीचे जा रहा है? समझा गया? अगर मैं इसको देखूं अच्छे से तो यहां से देख ले तो y मेरा निकल के आ गया y is equals to minus 2 into 10 to the power minus 2 meter. इतना क्लियर है? ठीक है, तो देख तो y का डिस्टेंस कितना आ गया मेरे को? minus 2 into 10 to the power minus 2 meter. तो मेरा y कितना हो गया रे? minus 0.02 meter. ठीक है ना? तो देख x भी आ गया मेरे पास में, y भी आ गया. ठीक है, अब बोल क्या रहा है देख अच्छे से. क्वेश्चन के पढ़े, क्वेश्चन को पढ़ो. द बैरल ऑफ राइफल, राइफल की बैरल है, इज एम्ड हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल एम किया हुआ है इसको, एट द सेंटर ऑफ द टारगेट 50 मीटर अवे. कितना डिस्टेंस है? 50 मीटर अवे. और वो सारा अभी मैंने बता दिया. ठीक है, बट द बुलेट स्ट्राइक 2 सेंटीमीटर बिलो द सेंटर. बुलेट कहां नीचे स्ट्राइक हुई है? 2 सेंटीमीटर बिलो द सेंटर. व्हाट इज द मजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट? मतलब बुलेट की मजल वेलोसिटी मेरे को निकालनी है. अब आप यहां से देखो अच्छे से, बहुत सारी अच्छे से समझना इस चीज को. एंड दिस इज टोटली अ माइन्यूट ऑब्जर्वेशन. ठीक है, कभी चीज को समझिएगा आप लोग. कभी आपने किया होगा तो अच्छी बात है, और नहीं किया हो तो आपने आपने देखा तो होगा एटलीस्ट मूवी वूवी में. व्हेन यू स्ट्राइक द बुलेट, जब हम लोग बुलेट स्ट्राइक करते हैं, एट द पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग द बुलेट योर मास ऑफ द बुलेट या योर बुलेट इज रिवर्सिंग इन डायरेक्शन, पीछे की तरफ होती है. और हम उसको इतना हम लोग फोर्स लगा के उसको पकड़ के रखे हुए होते हैं, तो फोर्स लगाने के बाद फोर्स लगा के पकड़ के हुए होते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग उसको ज्यादा पीछे नहीं आते. बट व्हेन यू स्ट्राइक द बुलेट, जैसे आप बुलेट स्ट्राइक करेंगे तो आपकी जो बुलेट है वो तो जाएगी सामने, बट उसका सामने जाने के लिए जितना फोर्स उसको लगेगा उतना ही फोर्स पीछे लगेगा. और यहां काम करता है न्यूटन का. समझा? कभी देखना, अगर बहुत बड़ा अगर हमारे को अगर बॉम्ब ब्लास्टिंग करनी है, देखना कभी, अगर आपने मूवीज में देखा होगा, सो व्हेन दे आर स्ट्राइकिंग द बॉम्ब, तो वो जो होता है वो जो सिस्टम जहां से वो स्ट्राइक करते हैं वो पीछे की तरफ खींचा जाता है. क्लियर? कि किस क्यों खींचा जाता है? क्योंकि जब कोई भी बॉम्ब हो या कोई बुलेट हो, जिस समय सामने के डायरेक्शन से फोर्स लगाती है, तो उसको सामने ढकेलने के लिए, उसको सामने ढकेलने के लिए पीछे फोर्स लगाना पड़ता है. ये तो सिंपल उसी तरीके से काम करता है. अगर मेरे को इंस्टेंटली अगर रनिंग करनी है, क्लियर, रनिंग करते हुए देखना आप लोग, यू आर अप्लाइंग द फोर्सेस इन डाउनवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन एंड योर मोशन ऑफ द बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन. आप चल रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आप फोर्स किधर लगाते हो? चलने में हमारे को अपना फोर्स हमारे को समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप बहुत स्पीड से देखो, बहुत स्पीड से अगर दौड़ने की कोशिश करो, तो आपका जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट आपका सामने रहेगा, बट आपके फोर्सेस लाएंगे पीछे. समझ रहा है? इसलिए देखना कभी रेसिंग रेसिंग ट्रैक पे, जब वो इनिशियल लेवल पे जितने भी एथलीट्स हैं, वो एथलीट जब ऐसे बैठे हुए रहते हैं, उनके पीछे में एक पैर के पास में उनको एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है. तुम्हारी जिंदगी रील की वजह से खत्म हो गई है. इंस्टाग्राम रील सोच ही नहीं पाते, और सोच भी नहीं पाते तो कभी ऑब्जर्व भी नहीं करता. और अगर ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगा, और फिजिक्स समझ में नहीं आता कुछ नहीं आना. और ये सब्जेक्ट है क्या? दिस टोटली ऑब्जर्वेशन है. और है भी क्या इसमें? तुम कंसेप्ट तो समझिए, देखा कभी ऐसा? जब वो ऐसे बैठे हुए रहते हैं, वो जैसे 1 2 3 जैसे लेट स्टार्ट गो होता है, तो वो दे आर अप्लाइंग द मैक्सिमम फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट व्हिच इज रेस्टिंग बिहाइंड द लेग्स. ऐसे तरीके से ऑब्जेक्ट का वो ये होता है ना भाई, इस तरीके से उसको डिजाइन किया जाता है, यहाँ पैर रखा जाता है, वो जो फोर्स लगाना है इसके ऊपर, फिर भागना चालू करते हो. आया कुछ समझ में? कोई भी बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन से या सामने वाले डायरेक्शन से मूव कराने के लिए जितने स्पीड से मूव करा रहे हैं, आपको मूव कराना होता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड फोर्स लगाना होता है. Clear? तो इसीलिए देख यहां से,
यही कंसेप्ट यहाँ पर भी होगा. What is the muzzle velocity of the bullet? जैसे बुलेट स्ट्राइक करेगी, बुलेट का मोशन किधर होगा? गन का मोशन पीछे की तरफ होगा, बुलेट सामने जाएगी. तो गन में बुलेट होती है. गन का मोशन पीछे की डायरेक्शन, बुलेट का मोशन और जहां स्ट्राइक करना चाहिए वहां स्ट्राइक हो रहा है नहीं, उसके नीचे स्ट्राइक हो रहा है. कितना सेंटीमीटर नीचे स्ट्राइक हो रहा है? 2. इसलिए वर्टिकल डिस्टेंस है, इसलिए हम लोग ने y से डिनोट कर दिया. नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए -0.2 कर दिया. समझा? ठीक है. और यहां पे x कितना आ गया तेरा? 50. y x is equals to 50 because this is the horizontal distance. ठीक. हां, अब देखो फिर से. अब यहां पे हम लोग इसके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स लेंगे और वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेंगे. ठीक है. अब वेलोसिटी, पहले तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ले. अब वेलोसिटी दो तरीके से ली जाएगी. वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस एंड वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस. या बोल लो आप वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स या अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल प्लेन. एक आप वेलोसिटी ले सकते हैं आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एक वेलोसिटी ले सकते हैं आप वर्टिकल प्लेन. तो ये जो vx है, तो यहां पर मैं वेलोसिटी ले लूं तो vu is equal to क्या ux लिखा जाएगा? u is equal to क्या लिखा जाएगा? ux. और वेलोसिटी अलोंग द y कंपोनेंट, बॉडी बुलेट का मोशन ऊपर और नीचे की तरफ हो रहा है क्या? बुलेट ऊपर और नीचे जा रही है क्या? नहीं. तो वेलोसिटी अलोंग द y कितना हो गया? 0. समझा क्यों 0 हो गया? क्योंकि बुलेट सीधी भाग रही है ना. तो जब सीधी भाग रही है तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या उसकी? 0. वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगी? 0. क्या ये vo is equal to vx समझ में आ गया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा क्या? नहीं. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होता तो बुलेट वैसी. ठीक है. अब बुलेट ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है. अच्छा, बुलेट ऐसे ही आ रही है क्या? नहीं. ऐसे ही आ रही नहीं. तो क्या ये सीधी भाग रही है? तो वर्टिकल कंपोनेंट 0. तो ui या vy कितना हो गया तेरा? 0. या अदरवाइज हम लोग इसको u of y भी कह सकते हैं. हां, क्लियर हुआ ना? ठीक है, चलेगा. इधर ये दोनों है वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हो गए. अब मैं बात करूं अगर एक्सेलरेशन की. ठीक है. अब अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन भी दो कंपोनेंट्स में लिए जाएंगे, along the x and along the y. या बोल लो acceleration along the horizontal plane and acceleration along the vertical plane. ठीक है. तो acceleration अगर along the horizontal plane मेरे को लेना है, तो जैसी bullet strike होगी तो bullet की speed क्या constant रहेगी? Bullet की speed क्या रहेगी? तो acceleration कितना हुआ? 0. Acceleration कितना हुआ? 0. लेकिन कौन सा acceleration 0 है? Vertical. अगर acceleration horizontal component का 0 हो जाएगा ना, so that means a suffix x कितना हो गया? a suffix x कितना हो गया? 0. और अब देख, ये जो बुलेट है, क्या ये नीचे क्यों, किसके वजह से आई है? किसके वजह से आई है? तो acceleration along the y component क्या, it is replaced by minus of g. बोल नहीं सुनिए. acceleration along the y component is replaced by minus of g. और ये x 0 क्यों हुआ? clear? समझ में आ गया. तो ये ax कितना है? 0. ay कितना हो गया? -c. u is equals to ux. और uy का कंपोनेंट? 0. uy का कंपोनेंट? 0. नाउ अगर अभी हमारे पास में अब बुलेट यहां से लेकर के वहां तक क्या डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है. तो बोल सकता हूं क्या मैं डिस्प्लेसमेंट है? तो कैनेमेटिक इक्वेशन कौन सी होगी? सेकंड कैनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे. सो सेकंड कैनेमेटिक इक्वेशन क्या दो कंपोनेंट में यूज करने पड़ेंगे? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. चले हॉरिजॉन्टल के लिए जो लेंगे हम लोग, तो पहले मैं यूज कर लेता हूँ s is equal to क्या ut plus half at square. अबे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सो s is equal to, दिस इज सेकंड कैनेमेटिक इक्वेशन, s is equal to ut plus half at square. तो अब अगर मैं इसको अलोंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो s is replaced by x. s is replaced by x is equal to, देख ये u क्या ux हो जाएगा. अभी u क्या हो जाएगा? ux. फिर से t क्या रहेगा? as it is plus 1/2. ये a क्या हो जाएगा? ax. और ये क्या हो जाएगा? ax. और फिर से ये क्या हो जाएगा? t square. ठीक है. देख ax का वैल्यू कितना है? 0. ax का वैल्यू कितना है? 0. तो ये टर्म कितनी हो जाएगी? 0.
तो एक्स आ गया पहले, तो यू आई कितना आ गया जीरो, ये कितना हो गया जीरो, तो ये देख वन बाई टू, क्या ये माइनस जी जनाब, ये डी स्क्वायर हुआ क्या, अरे हुआ क्या, चलिए वाई का वैल्यू कितना है माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू, कितना है माइनस जीरो पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू, मैंने वाई का वैल्यू पुट कर दिया इजी इक्वल टू फिर से वन बाई टू। अच्छा यहाँ अगर ऐसे ले लो तो क्या इजी इक्वल टू माइनस नाइन पॉइंट एट बाई टू इंटू टी स्क्वायर, तेरे को कुछ भी समझा, चल देखिए माइनस हो रहे माइनस कैंसिल ये टू इधर, तो कितना हो गया 0.04, ठीक है इसी इक्वल टू 9.8 इनटू, क्लियर हुआ, ये 9.8 इधर आ गया 0.04 डिवाइडेड बाय 9.8 इसी इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो टी का इक्वेशन क्या बना अंडर रूट ऑफ 0.04 डिवाइडेड बाय, कोई डाउट है यहां तक, चल इसका कैलकुलेशन कर पहले, तो 9.8 है इसका रेसिप्रोकल हो गया, बचा तेरा कितना है 0.04, ठीक है। अब सुन इधर, यहां से 2 पॉइंट उधार ले ले, यहां से 4 पॉइंट उधार ले ले, टोटल उधारी 6 की हो जाएगी, अरे होगी क्या, और देख तेरा वैल्यू क्या बनेगा 1020 मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा ऐसे 1020 मल्टीप्लाइड बाई 4, सो डी इज इक्वल टू 1020 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, समझा, तो उधारी है इसलिए माइनस 6 लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। हाँ तो इसका देख टी इज इक्वल टू कितना इंटू 10 टू पावर, ठीक है चले फिर से पॉइंट एडजस्ट करने पड़ेंगे, कितना 40 पॉइंट करना पड़ेगा क्या, अबे 40 पॉइंट करना पड़ेगा ना इसको, इसका स्क्वायर रूट ले सकते हो क्या, इसका स्क्वायर रूट ले सकते हो क्या, तो क्या ये पॉइंट एडजस्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ 40 पॉइंट करना पड़ेगा कि 40.80 करना पड़ेगा कि 4.080 करना पड़ेगा, 40.80 चले इधर लिख रहा हूँ मैं भी, ठीक है ध्यान रखना वहां से इधर आ रहा हूँ, तो टी इज इक्वल टू कर लो कितना 40.80, तो 10 टू द पावर कितना रे कितना माइनस 4, तो 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा, कितना 6.38, यहाँ इंटू पावर मैं माइनस टू इंटू पावर ये माइनस फोर का स्क्वायर रूट के बाहर क्या हो जाएगा माइनस टू, और माइनस टू का मतलब क्या हो गया टी कितना 0.0663। अच्छा इसको राउंड ऑफ में 0.064 कर सकता हूँ क्या, ये क्या आ गया तेरा सेकेंड, क्या आ गया ये, अरे समझा गया रे, अरे समझा गया, लेकिन देख यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है वेलोसिटी, क्या निकालनी है मेरे को, इतना तो पता चल गया कि टाइम कितना लग गया, इतना तो पता चल गया ना टाइम कितना लग गया, तो टाइम कितना लग गया मेरे को 0.064 सेकंड, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है भाई वेलोसिटी, अब निकालना क्या है, क्या निकालना है, तो वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो एक्स का वैल्यू कितना है 50, अब डिस्प्लेसमेंट वही तो होगा वहां से लेके वहां तक, तो कितना है 50 डिवाइडेड बाय टाइम कितना निकाला मैंने 0.64, बोल फट से कितना हो गया, बोल बड़ा वेट, तो वेलोसिटी आ गई तेरी
जल्दी बोल। पॉइंट में गलती कर रहे हो तुम लोग। इसको अगर तू 6.4 करेगा, इधर सुन रे, इधर तू 6.4 करेगा तो 10^-2 करना पड़ेगा तेरे को, और वो 10^-2 ऊपर चले जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? तो ये 6.4 का रेसिप्रोकल ले ले, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर ले, समझ रहे हो? ये देख, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन ही ऐसे काम करेगा। दिस इज 50 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 10^2 माइनस 2, प्लस 2 नहीं होगा ऐसे। अब ये माइनस 2 को ऊपर ले ले और ये क्या नीचे 6.4, एक का रेसिप्रोकल ऑफ 6.4, take the reciprocal of 6.4, so v is equal to 0.1562 multiplied by 50, 10^2 ऊपर आ गया, minus 2 का ऊपर आ गया। अब देख इसका multiplication, देख इसका क्या कर ली, इसको यहाँ से एक जीरो उड़ा दे और यहाँ से दो, मतलब ये यहाँ से एक, ये जीरो और ये दो, तीन हो गए। अब तीन हो गए ना, तो ये पॉइंट, तीन पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब v कितना आ गया 156.2 मल्टीप्लाइड बाय 5। बोल नहीं समझा? अबे समझा क्या? ये 100 है ना, 10^2 का मतलब क्या हो गया, 100 हो गया। यहां से 50 है तो यहां से एक ले लिया तो कितना हो गया, 1000।